अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो मुर्गी बच्चों के हवाले से है। मैं आज आपको अपने मुर्गी बच्चे दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से इन्हें पालता हूँ, बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ से कबूतर जो थे वो चले गए, कुछ दिन के मेहमान थे वो, सिर्फ वो ऊपर से ले गए वापसी। और दोस्तों, दूसरी बात, आज ये मुर्गा जिसका है उसे देकर आएंगे और अपना कासनी मुर्गा वापस लेकर आएंगे। और दोस्तों, मुर्गी ने आज भी अंडा दे दिया है माशाल्लाह। आज पांचवा अंडा इसने दिया है, मैंने यहाँ पर रख दिया, इसके अंदर से निकाल कर पांचवा अंडा आज इसने दिया है। इंशाल्लाह ये और 4-5 अंडे और देगी, फिर कूड़ा खो जाएगी। दोस्तों, मैं इनके लाया हूँ इनके लिए लाया हूँ नीचे से भीगी हुई रोटी, तो इन्हें जो खिलाता हूँ मैं मुर्गों को। और दोस्तों, ये हमारे मुर्गी के बच्चे माशाल्लाह काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, इनके सफ़ेद पर निकल रहे हैं। दोस्तों, मुझे ऐसा लग रहा है शायद ये फार्मी बन जाएंगे, सफ़ेद जो होते हैं उस तरीके से हैं ये कुछ। तो दोस्तों, मैं इन्हें अब रोटी खिलाता हूँ आपके सामने और दिखाता हूँ कि कितने शौक से ये खाते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो ना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ना। तो दोस्तों, ये आप देखिए कितने शौक से रोटी खा रहे हैं माशाल्लाह। Here we go now. Fat man scoop on the mic, mixing the mix on the blues. Still, this is what I was fucking born to do. दोस्तों, मैंने इस तरीके से पाल रहा हूँ बिल्कुल देसी तरीके से, कोई भी मैंने फीड वगैरह नहीं दे रहा दोस्तों, ना मैं इन्हें कोई फीड दे रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्हें रोटी दे रहा हूँ और दोस्तों बाजरा खिला देता हूँ, इसी से मैं इन्हें पाल रहा हूँ। मैं कुछ इन्हें फीड वीड नहीं दे रहा, गीली रोटी करके दे देता हूँ, जो हमारे घर पर रोटी बच जाती है उस रोटी को पानी में भिगो कर इन्हें मैं डाल देता हूँ और दोस्तों बाजरा दे देता हूँ इन्हें खाने में। तो बस मैं इन्हें यही चीज़ दे रहा हूँ अभी फिलहाल। तो दोस्तों, अभी ना थोड़ी देर के बाद जब ये खा लेंगे तो मैं पानी रख दूंगा, तो फिर आपको दिखाऊंगा। दोस्तों, इस तरीके से मैं इन्हें पाल रहा हूँ, अगर आपके पास भी चिक्स है तो आप उन्हें इस तरीके से पाल सकते हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है गीली रोटी से। दोस्तों, पानी में अभी इन्हें सिर्फ सुबह दोपहर और शाम के टाइम देता हूँ, मैं पानी रख कर नहीं छोड़ता भी, क्योंकि दोस्तों ये छोटे हैं फिर ज़्यादा पानी पी लेते हैं तो दोस्तों फिर ये उल्टी करते हैं, तो इसीलिए मैं इन्हें पानी थोड़ा ही देता हूँ, वो जब ये पी लेते हैं तो फिर पानी को हटा लेता हूँ। देखिए माशाल्लाह पानी पीने लगे। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना अगर आपने अभी तक नहीं किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।